नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज कढ़ाई चैनल में। तो आज हम बहुत ही अच्छी रेसिपी दोस्तों बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आज हम बनाएंगे अचार। तो अचार हमारे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे मैंने अचार की रेसिपी डाली हुई है आम की। तो आज जो हम अचार बनाने वाले हैं आम का, वो है जैसे राजस्थान में बनाते हैं और गुजरात में भी बनाते हैं उसको, तो उसको लाल अचार के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैं भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमारा वीडियो देख रहे हो तो वो भी इसको जो है बना करके एक बार ट्राई ज़रूर करें कि कैसा आता है। मैंने बनाया था तो बहुत ही टेस्टी लगा, तो मैंने कहा आपको शेयर भी कर दूं। तो चलिए इसके लिए हम आ गए हैं खेतों में, और यहीं पे हमारा पास में पेड़ है, उसी के पास चलते हैं, क्योंकि वो आम का जो है अचार बनाने वाला ही आम है हमारा। तो चलिए चलते हैं। तो उसके लिए देखिए डंडा ले लिया है और ये भी ले लिया है। चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने पेड़ के पास, जहाँ मैंने अक्सर अचार इस पेड़ से बनाया हुआ है, क्योंकि इसका अचार खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम रखते हैं झोली, आपको आम दिखाते हैं। ये देखिए सारा बहुत ही अच्छे से ये फरा है इस साल, और बहुत बढ़िया है, ऊपर तक भी है, बहुत सारा आम है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला पेड़ देखिए बहुत ही अच्छे से नज़दीक नज़दीक एकदम फरा हुआ है। तो इसको हम जितना हम पाएंगे उतना हम तोड़ेंगे लटकाने के बाद। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम देख करके आम को तोड़ लेंगे इतने से लटका के। तो ये देखिए दोस्तों, डाल को हमने लटका लिया है, इसमें से हम तोड़ेंगे आम को। तो इसमें चोपी बहुत होता है दोस्तों, इसके रस से बचा के रहना चाहिए, नहीं जला जला सा निशान आ जाता है। तो इसको रख के जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इतना तोड़ लिया है, थोड़ा सा और तोड़ेंगे फिर इसके बाद चलेंगे घर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो आम है, इसको भी हम तोड़ लेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से दोस्तों हमने आम ले लिया है, अब चलते हैं घर की तरफ और बनाएंगे अचार। तो यहाँ पे हम आम को लेकर के घर आ गए हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें से जो चोपी निकल रहा है, इसके लिए हम इसका ये जो डंठल है, क्योंकि ताज़ा आम है तो इसमें से ज़्यादा चोपी निकलेगा, तो सबसे पहले हम ये काट करके, ये देखिए इसको हम काटेंगे ऐसे, इतना हमें इसको काट देना है और इसको पानी में डाल देना है ताकि इसकी जो चोपी है वो निकलते चले जाए इस तरह से। तो सारे आम की जितना ऐसे डंठल है उसको हम काटते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें से किस तरह से निकल रहा है चोपी, ये देखिए बहुत एकदम पता चल रहा होगा, ये देखिए। तो इस तरह से हम इसको डालेंगे तो इसमें से सारा चोपी निकल जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका अचार जो है ख़राब नहीं होता है, अगर आप इसको इसी तरह से जो है बना देंगे तो आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने सबका इस तरह से डंठल काट दिया है और इसको हमने 5-10 मिनट इसमें पानी में रहने दिया है, और अब इसको हम धो करके इस तरह से डाल देंगे एक दौरी में, ताकि इसको हम घाम धूप में डालें तो बहुत अच्छे से ये सूख जाए, क्योंकि पानी सूखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, इसको इसी तरह से हम धो करके अच्छे से डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए धूप बहुत अच्छे से आ रही है दोस्तों, तो यहीं पे हम रख देते हैं इसको 10 मिनट तक, ये जल्दी से सूख जाएगा, बहुत तेज़ धूप है। तो ये देखिए, आम को हमने सुखा लिया है, एकदम बढ़िया से ये सूख चुका है। तो अब हम इसको काटेंगे, तो इसको काटने का तरीका अलग है, यदि गुठली रहेगा इसमें तो हम उसको नहीं रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से काटेंगे हम इसको। और ये जो गुठली वाला भाग है इसको हम रख देंगे, इसका हम बना लेंगे चटनी, या गुरम्मा जो बनता है, मीठी तीखी वाली जो चटनी होती है वो बना लेंगे हम इसका। तो इसी तरह से हम सारे आम को सबसे पहले काटेंगे। तो इसी तरह से हम सारे आम को काट करके रखेंगे सबसे पहले।
इसमें हम गुठली का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये अचार इसीलिए बहुत बढ़िया बनता है, बिना गुठली का रहता है तो खाने में भी बहुत आसानी रहती है इसको। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको काट लिया है, एकदम छोटा छोटा इसमें से निकाल लिया है जो इसका गुदा होता है। अब हम इसको ऐसे काटेंगे, ये देखिए एकदम जैसे छोटे छोटे क्यूब आप काटते हैं बस वैसा ही आपको इसको काट लेना है इसी तरह से। तो हम सारे जो जितना आम है इसी तरह से एकदम छोटा छोटा करके काटेंगे, बड़ा वाला एकदम बिल्कुल भी हमें नहीं काटना है। ये देखिए तो देखिए दोस्तों इस तरह से काटने से एक फ़ायदा होता है कि इसको खाने में बहुत ही आसानी होती है और ये अचार देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है बनने के बाद। तो हम सारे अचार जितना भी आम हमने ले रखा है बिल्कुल ऐसे ही हमें काट करके तैयार करना है। और आपको इस तरह से जब आप अचार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा आपको। तो ये देखिए इसी तरह से हमने इतना सारा काट लिया है, थोड़ा सा और बचा है उसको भी काट लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से आपको सारा काट करके तैयार करना है। तो काटने के बाद अब इसमें हम नमक डालेंगे, इस तरह से हम थोड़ा सा नमक इसमें ज़्यादा डालेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे हल्दी, तो हल्दी पाउडर इसको फैलाकर डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से अभी हम इसको मिलाएंगे हल्दी पाउडर को इसमें। ये देखिए इस तरह से हमें इसको मिला देना है। तो हल्दी पाउडर और नमक को हमें बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें अच्छे से एकदम कोटिंग हो जाए। तो जैसे ही हमारा ये मिल जाता है इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे हमने आग जला लिया है और कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। अब यहाँ पे हमने ले रखा है मेथी दाना, तो ये जो चार चम्मच हमने लिए हैं बड़े वाले जो चम्मच होता है जिससे हम खाना खाते हैं उसी वाले से चार चम्मच लिया हुआ है, इसको डाल देते हैं। और बिल्कुल हल्का सा इसको हम रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमें नहीं पकाना है, एकदम भूनना नहीं बहुत ज़्यादा, तो एकदम धीमी धीमी आंच पे इसको हमें भूनना है। बहुत अच्छे से इसको हमने भून लिया है, एकदम हल्का सा इसको बस गर्म ही करना है, इसको आपको चटकने नहीं देना है, एकदम हल्का सा हमने जैसे बताया है वैसे ही आप इसको भून लीजिएगा। और इसको हम रख लेते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए मंगरेल ले रखी है, मंगरेल हमने एक चम्मच बड़े चम्मच से लिया हुआ है। ये देखिए इतना ही हमें इसको हल्का सा बस इसे भी भून लेना है, जैसे ही ये गर्म हो इसको भी अलग कर लेना है क्योंकि छोटा दाना है तो इसको भूनने में थोड़ा एक साथ भूनेंगे तो ये जल जाता है, इसलिए मैं इसको अलग भून रही हूँ। तो ये वाला भी हमने भून लिया है, अब भून लेते हैं हम इसे। तो यहाँ पे हमने सौंफ ले रखी है, इसको भी अब हम भूनेंगे। तो सारे मसाले यदि आप अलग अलग भूनेंगे तो सब बहुत अच्छे से भूनते हैं, एक साथ भूनेंगे तो थोड़ा सा कोई कच्चा रह जाता है और कोई मतलब अच्छे से भून जाता है। तो इसको हम चलाते हुए एकदम धीमी धीमी आंच पे इसको भी हल्का सा ही रोस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने सौंफ को भी बहुत अच्छे से भून लिया है, एकदम हल्का रोस्ट किया है, इसको भी हम प्लेट में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आम को रखे हुए हमें यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुका है, इसको 4 घंटे के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो इसको हम रख लेते हैं कढ़ाई में मिलाने के लिए सारे मसालों को अच्छे से। तो अब हम इसमें मिलाएंगे, ये देखिए हमने जो भुना हुआ था और इसको हमने ठंडा भी कर लिया एकदम अच्छे से। तो इन मसालों को हमें बिल्कुल भी नहीं पीसना है, यही जो अचार की है खासियत है। तो सारी चीज़ों को हम ऐसे साबुत ही डाल देंगे इसमें। और इसमें अब हम डालेंगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, तो इसीलिए इसको लाल जो है अचार बोला जाता है क्योंकि इसमें कश्मीरी लाल मिर्च एकदम भर भर के डाला जाता है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तीखा मिर्च, यदि आपको इसमें ज़रूरत हो तो डालिएगा, आप तीखा खाते हो तब डालिएगा, नहीं खाते हो तो नहीं डालिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसमें डाल देंगे, और नमक इसमें थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा सा डाल देंगे ताकि थोड़ा नमक ज़्यादा होता है अचार में तो खाने में अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे हमने ले रखा है सरसों, तो आप चाहे तो इसकी जगह पे पीली सरसों भी ले सकते हैं, तो इसको हम डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे काली सरसों को पीसा हुआ है। तो सारा इसमें डाल करके अब हम इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, तो यहाँ पे हमने कच्ची घानी को पिराया हुआ था वो तेल है,
यदि आप इसको नहीं पसंद करते तो हल्का सा गर्म करके उसको ठंडा कर लीजिएगा, तब डाल दीजिएगा तेल। तो इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल, आप इसमें तिल का भी तेल डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं विनेगर। तो विनेगर हमने यहाँ पे वाइट विनेगर ले रखा है, आप चाहे तो गन्ने का सिरका भी डाल सकते हैं, जामुन का भी सिरका डाल सकते हैं। तो इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करने के लिए हम इसमें विनेगर डालते हैं। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे, इसमें जो कम लगेगा तेल वेल तो हम दोबारा इसमें डालेंगे। सबसे पहले मिलाते हैं, देखते हैं इसमें तेल की कमी है या नहीं। तो हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा और तेल, क्योंकि तेल इसमें थोड़ा कम लग रहा है। तो अब हम इसको मिला लेते हैं। अभी इसमें हमें कश्मीरी लाल मिर्च यदि कम लगेगा तो इसमें हम और डालेंगे, क्योंकि ये एकदम लाल लाल देखने में लगता है तो सुंदर लगता है। तो ये देखिए अचार को हमने बहुत अच्छे से अब मिला लिया है। आपको देखने में भी अचार एकदम लाल लग रहा होगा, इसीलिए इसको लाल अचार बोला जाता है। बहुत ही बढ़िया बनकर के ये तैयार भी होता है। और ये देखिए हमने इसमें जो मसाले डाले हैं एकदम भर भर के, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसको डिब्बे में भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिब्बा ले रखा है, इसी तरह से कई डिब्बे में हम इसको भर करके रखेंगे। तो ये देखिए ये भरने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, इसमें बहुत ही बढ़िया ये अचार बनकर भी दोस्तों तैयार होता है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको हम दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर ये खाने लायक आपके तैयार हो जाएगा एकदम बढ़िया से। ये देखिए ढक्कन लगा दिया है, इसी तरह से हम सारा अचार भर करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा अचार एकदम बढ़ करके बहुत ही बढ़िया से ये तैयार हो चुका है। और इसके लिए यहाँ देखिए हमने जो डब्बे यूज किए हैं, ऐसे छोटे छोटे हमने डब्बे मंगाए हुए हैं, तो उसी में हम सारा अचार ये वाला भर करके रख देंगे। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके उसको भी बताइएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।